हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शोक सभा में शरीक होने पायलट पहुंचे चाड़वास ने वर्तमान जिला अध्यक्ष राज पुरोहित के पिता को दी श्रद्धांजलि। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को नई वर्तमान जिला अध्यक्ष चुन्नीलाल चाड़वास के पिता जालम सिंह राज पुरोहित के निधन पर आयोजित शोक सभा में शरीक होने के लिए गुरुवार दोपहर बड़ी संख्या में कारों के काफिले के साथ चाड़वास गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्वर्गीय राज पुरोहित की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा परिजनों को ढांढस बंधाया। उनके साथ में पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईड़वा सहित कांग्रेस के नेता मौजूद थे। इससे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा रवाना होकर अपने 50 गाड़ियों के काफिले के साथ सोजत के पास स्थित चाड़वास गांव पहुंचे, जहां पहले से ही सैकड़ों कार्यकर्ता व उनके समर्थक मौजूद थे। वहीं पायलट कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर स्वागत किया गया। वहीं काफिले के दौरान पुलिस का भी माकूल बंदोबस्त रहा, परंतु चाड़वास में आयोजित शोक सभा की भीड़ में जेब कतरे भी सक्रिय दिखाई दिए, जहां दो लोगों के जेब कटने की घटनाएं सामने आईं। उल्लेखनीय है कि पायलट जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, इसी दौरान भारी भीड़ के तहत खुर्शीद नाम के युवक के जेब से 18,500 रुपए व हनुमान गुर्जर के जेब से 1,200 रुपए व अन्य दस्तावेज अज्ञात जेब कतरों ने उड़ा दिए। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम पायलट चाड़वास में शोक सभा में शरीक होकर पुनः सड़क मार्ग द्वारा सोजत के काफिले के साथ पुनः जयपुर के लिए प्रस्थान हुए। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।